प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आज संसार में सबसे अधिक भक्तों की रक्षा और मनोकामना पूरी करने वाले अगर कोई सर्व पूज्य देव कोई माना जाता हो तो वो हनुमान जी है। हनुमान जी संयम की मूर्ति, सेवा का प्रतीक और ब्रह्मचर्य के लिए आदर्श। विनम्रता कूट कूट कर भरी, ऐसा कौन सा गुण है जो हनुमान जी में पाया नहीं जाता। सेवा की निष्ठा, चारित्र्य बल, ब्रह्मचर्य का तप और अपने परमात्मा के प्रति एक निष्ठता, ये हनुमान जी से जानने को और सीखने को मिलती है। ये गुण जिन भी साधारण मनुष्य में पाए जाते हो, जिसमें सेवा की प्रबलता हो, सेवा की भावना हो, चारित्र का बल हो, अर्थात संयम का बल हो, और अपने परमात्मा के चरणों में एक निष्ठता हो, वो व्यक्ति साधारण न रहकर महामानव बनता है, जिसमें ये तीन गुण साधारण रूप से पाए जाते हैं। किसी का काम कर देना, किसी को खुश कर देना, किसी की मदद कर देना, किसी की आपूर्ति कर देना, किसी कामना की पूर्ति कर देना, क्या सेवा है? हो सकती है। किसी भूखे को अनाज देना सेवा है, प्यासे को पानी देना सेवा है, किसी को दो शब्द प्रेम से कहना भी सेवा है, और यहाँ तक भैया अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो प्यारी सी मुस्कान देना भी तो सेवा है, उसके चित्त में प्रसन्नता देना भी सेवा है, ये भी सेवा। सेवा के कई सारे रूप है, पर निष्काम सेवा का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है उससे तो बाबा क्या मिलता है। सकाम सेवा से क्या मिलता है? तो बोले जो मनुष्य चाहता है वो प्राप्त होता है। धन चाहता है तो धन मिलता है सेवा से। सेवा की सिद्धि के स्वरूप में आपको जो आप चाहते हो वो सेवा के फल स्वरूप मिलता है। पर जो व्यक्ति निष्काम सेवा करता है, उस निष्काम सेवा करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो उसका अहंकार पिघलता है। जो व्यक्ति निष्काम सेवा करेगा उसकी पहली पहचान है कि उसका अहंकार पिघलना चाहिए। विनम्रता का गुण आता है, मन स्वच्छ और निर्मल होता है। यदि आपका मन पहले की अपेक्षा सेवा करके पवित्र और स्वच्छ होता है तो आपने सेवा ठीक की। अगर तो मन आपका पवित्र और शुद्ध नहीं होता तो इसका मतलब ये कि आपने सेवा के बदले में ज़रूर कुछ चाहा होगा, और ऐसा कुछ चाहा होगा जिससे आपका राग द्वेष बढ़ गया, और राग द्वेष के परिणाम स्वरूप अहंकार बढ़ा, और अहंकार के परिणाम स्वरूप आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बेचैनी हुई। सेवा का परिणाम आनंद होना चाहिए, सेवा का परिणाम दुख कदापि नहीं हो सकता। यदि किसी सेवा का परिणाम दुख मिलता है तो इसका मतलब यह कि आपने वो सेवा सही मायने में नहीं की है। सेवा आपका अहंकार पिघालती है, सेवा आपको विनम्रता देती है, सेवा आपके मन को स्वच्छ और पवित्र करती है, सेवा आपके जीवन में सदाचार लाती है, सेवा आपके जीवन को पुनर्जन्म में नहीं धकेलती, वरन पुनर्जन्म की समाप्ति कर परमात्मा के द्वार तक लेवा जाए, इसको निष्काम सेवा कहते हैं। तो निष्काम सेवा से इतनी सारी उपलब्धि होती है। सकाम सेवा से यदि आपने धन चाहा तो उतना धन तो मिल ही जाएगा,
क्योंकि सेवा परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। सेवा किसी की भी करो, किसी की भी। यदि सेवा किसी श्रेष्ठ पुरुष की जाए, और वो भी यदि निष्काम स्वरूप से की जाए, तो निश्चित और निश्चित ही परमात्मा की प्रसन्नता को देने वाली है। यहाँ अहमदाबाद में प्रेम प्रकाश जी महाराज गर्मियों की छुट्टियों में या जाड़े के समय में आया करते थे। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष के पास सदैव संत महापुरुष उनके मिलन की कामना करते हैं। जैसे मित्र मित्र को मिलता है, सजातीय विचार सजातीय विचारों को ढूंढता है, ऐसे ही संत भी संत महापुरुषों को ढूंढते। एक बार अखंडानंद जी सरस्वती उनसे मिलने गए, और वो अपने किताब में लिखते हैं कि मैं महाराज जी से मिलने गया तो उनके पास एक बहुत बड़ा उस समय का बिल्डर बैठा था, बहुत बड़ा, जिसने उस जमाने की 2,500 रुपए की स्टोल पहनी थी। तब के 2,500 मतलब 2,00,000 के आसपास होने चाहिए आज के, 50-70 साल पहले। अब 2,500 की स्टोल तो आम जाम लोग, पैसे वाले लोग, धनवान लोग पहनते देखे जाते, पर उसमें भी उस समय जो स्टोल जड़ी थी, जो उन्होंने दुशाला पहना था जिस बिल्डर ने, उसमें सोने की तार मड़ी हुई थी, सोने की तार का दुशाला पहना हुआ था। स्वामी जी अखंडानंद महाराज जी से मिले, सुबह सुबह का वक्त था, और उन्होंने कहा चलो घूम के आते। वो घूमने पैदल निकल गए, पैदल चलते 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 साथ में वो बिल्डर भी हो लिया। जैसे महापुरुषों के सम्मुख सभी लोग, कितनी भी बड़ी धनवान हस्ती हो या कितनी भी ऐश्वर्यवान व्यक्ति हो, फिर भी महापुरुषों के आगे तो सब समान भाव से आदर के साथ बैठते हैं। उनके पास भी बड़े बड़े लोग आया करते थे आशीर्वाद लेने के लिए। उनमें से एक वो बिल्डर था, वो महाराज जी को बहुत प्रेम करता था। वो वॉक करने निकले, टहलने निकले साथ में, पीछे पीछे महाराज शांतनु जी महाराज, मतलब अखंडानंद सरस्वती जी थे, और आगे प्रेम प्रकाश जी महाराज, और पीछे उनके वो बिल्डर था। थोड़ा आगे चले होंगे, काफ़ी दूर तक निकले तो एक बेंच देखी उन्होंने, और उस पर बैठने की कोशिश की। तो जैसे हमारे साथ भी लोग होते तो कोशिश करते हैं कि वो बेंच को साफ सफाई कर दे और आसन बिछा दे। आसन था नहीं, उस बिल्डर ने फूक से झाड़ा, फिर अपने दुशाले से उसको ठीक ठाक किया बेंच को, और दुशाला बिछा दिया। अखंडानंद जी देख रहे थे कि इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इसका 2,500 का जो दुशाला है उसमें सोने के तार लगे हुए हैं, और इस व्यक्ति को अपने गुरु को देने में संकोच नहीं होता, क्या सेवा है इसकी, बहुत अच्छी सेवा है। प्रेमपुरी महाराज ने चुटकी लेते हुए कहा, उसने दुशाला बिछा दिया, बोले अरे इतने से तो तुझे स्वर्ग तो मिल ही जाना है, जो झाड़ फूक करके दुशाला बिछा दिया, इतने से तो तुझे स्वर्ग तो मिल जाएगा, और क्या चाहिए बोल। अखंडानंद जी सरस्वती को लगा केवल इतना करने से क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी इसको, बोले कामना नहीं है ना इसके चित्त में, इसने दुशाला इसलिए नहीं बिछाया कि मेरा यश हो जाएगा, इसने दुशाला इसलिए भी नहीं बिछाया कि मुझे अच्छा लगेगा। अगर तो दोनों वृत्तियां इसके चित्त में होती ना, या तो मुझे अच्छा लगाने के लिए, या तो इसकी कोई ना कोई कामना के लिए, तो इसको सेवा की ये सूझ भी नहीं आती कि अपना दुशाला उठा के बिछा दे। अगर तो इसको सूझ आती है, इसका मतलब इसकी सेवा निष्काम है, उसमें उसकी सूझबूझ पड़ती है। जिसकी भी सेवा निष्काम है उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो केवल दुशाला बिछाने मात्र से हो जाती है, उसके लिए अनेक अनेक जप तप यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। हनुमान जी ने एक बार अयोध्या लंका से लौटे युद्ध के बाद, राम जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे आज। सीता जी ने कहा, महाराज ऐसा लग रहा है आपकी प्रसन्नता को देख के कि लग रहा है कि आपको कोई निधि प्राप्त हुई है, निधि मतलब कोई खजाना मिल गया है। राम जी ने बोला मिला है ना, मिला है,
खजानों का भी खजाना मिला है। सीता जी ने बोला, कौन सा मिला है, जरा मैं भी तो सुनूं, आपको ऐसा क्या प्राप्त हुआ है। राम जी ने बोला, आज मुझे ये पता चल गया कि हनुमान जी मुझे क्या मानते हैं, हनुमान जी मुझे किस भाव से पूजते हैं, वो आज मुझे पता चल गया। बोले बताइए बताइए। बोले सीक्रेट है, नहीं बता सकता कि वो मुझे क्या मानते हैं। वशिष्ठ आश्रम का एक प्रसंग सीता जी को दोहराते हुए राम जी ने कहा कि जनक नंदिनी, जिस दिन ये समाज और संसार मारुति को जान लेगा, उस दिन वो मारुति को प्रेम किए बिना नहीं रहेगा। आज तक समाज ने जितना भी उन्हें जाना है, वो कुछ नहीं जाना है, वो सेवा का साक्षात स्वरूप है और राम के चरणों के प्रति एक निष्ठा की ज्वलंत मूर्ति है हनुमान जी। और क्या चाहिए, जब सेवक जिस सेव्य की उपासना करता है, यदि उस सेव्य के मुख से सेवक की प्रसन्नता मिल जाए, उससे ज़्यादा सेवक के लिए और बड़ी बात हो भी क्या सकती है। सेवा क्यों की जाती है, सेव्य की प्रसन्नता के लिए की जाती है। सेवा साधन है, सेवा साधना है और सेवा सिद्धि है। साधन किस बात की है, साधन जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं और आपको दिल्ली जाना है, आप गाड़ी में बैठते हैं और आपको बड़ौदा जाना है, तो कार आपका साधन है और बड़ौदा आपके लिए साधना है। जब तक कि आप वहाँ नहीं पहुँचते, तब तक आप साधन करते रहते, मतलब गाड़ी में बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, जब तक कि आप बड़ौदा स्टेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तो साधन गाड़ी है और कहीं गंतव्य पर पहुंचना उसकी साधना है। तो किसी भी प्रकार की सेवा करना अपने स्वामी तक पहुंचने का साधन है। जब आप स्वामी की प्रसन्नता पा लेते, तो आपको कुछ और साधना करने की आवश्यकता नहीं, वही आपके लिए साधना बन जाती है। तो सेवा साधन भी है, सेवा करके साधना तक पहुंचा जाता है, और जब सेव्य की प्रसन्नता मिल जाए तो आपकी साधना हो जाती है। बोले फिर सिद्धि किसको कहते हैं, सेवा साधन है, सेवा साधना है और सेव्य और सेवक का एक होना, मिल जाना सबसे बड़ी सिद्धि है। सेवा करते करते व्यक्ति विनम्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और सेवा के फल स्वरूप सेव्य और सेवक की दूरी मिटकर दोनों एक हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए सेवा साधन है, सेवा साधना है और सेवा सिद्धि है। सेवा साधन है, सेवा साधना है और सेवा सिद्धि है। आगे बढ़ो, सेवा वशीकरण का मंत्र है। आपको किसी को वश करना हो तो उसकी सेवा करो, फल स्वरूप क्या मिलेगा, बेटा तेरा भला हो, आशीर्वाद। कितना भी आपका शत्रु हो, यदि आपने प्रीति पूर्वक उसका कोई काम कर लिया ना, तो आपको फल स्वरूप प्रसन्नता मिलती है। तो परमात्मा ने सेवा को तीन स्वरूपों में बांटा है, एक ही सेवा को, सेवा साधन, सेवा साधना और सेवा सिद्धि। सेवा कर्म नहीं, सेवा फल है। यदि आपको महापुरुषों की, भगवान की या देवी कार्य की सेवा मिले, तो उसे कर्म मत समझो, आपके किसी न किसी पूर्व जन्म का फल है जो आपको सेवा प्राप्त हुई है। सेवा वशीकरण मंत्र है, सेवा आशीर्वाद तंत्र है और सेवा सफलता का यंत्र भी है। तीनों एक साथ उपलब्ध होता है सेवा से। सेवा वशीकरण का, किसी को वश करना हो तो सेवा करो, आशीर्वाद लेना हो तो, और सफलता प्राप्त करनी हो तो मुफ्त में सेवा से सफलता भी प्राप्त हो जाती है। आप कहते हैं श्री राम जानकी से कि जनक नंदिनी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि हनुमान जी मुझे क्या मानते हैं। महाराज मुझे भी तो बताइए कि क्या मानते हैं। उन्होंने एक प्रसंग बताया। जनक नंदिनी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि प्रभु, हनुमान जी के महत्व को उजागर करने के लिए, हनुमान जी की तारीफ में तो ये शब्द बहुत छोटे हैं। इतने में आए हनुमान जी
और पूछते हैं, प्रभु मैं एक सवाल करना चाहता हूं, प्रश्न करूं? करूं। आप प्रसन्न कैसे होते हैं? हनुमान, भला तुम पर मैं अप्रसन्न कभी हो सकता हूं? तुम हनुमान और मैं राम, क्या कभी हनुमान पर राम अप्रसन्न हो सकते? इतने से शब्द वो भी त्रिभुवनपति भगवान के अहंकार के लिए क्या कम है? कोई अगर इसको लेके गर्वान्वित हो जाए तो क्या कम है? अभी तो गुरुजनों का कुछ नहीं मिलता, फिर भी मनुष्य अहंकार में फूला नहीं समाता। अहंकार कर करके बुद्धि और अपने आप का विनाश दोनों का सृजन करता है मानव। और हनुमान जी को स्वयं राम कहते हैं, तुम मैं राम तुम हनुमान, क्या कभी हनुमान पर राम अप्रसन्न हो सकते हैं? हनुमान जी को तो गर्व की बात है। फिर भी हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये आपकी उदारता है, आपकी करुणा है और आपकी कृपा है कि आप दासानुदास पर प्रसन्न होते हैं। दासानुदास मतलब क्या? आपके दासों का भी दास। यही विनम्रता हनुमान जी को राम का प्रिय बनाती है। यदि सेवा आपको विनम्रता नहीं दे सकती तो वो आपने सेवा नहीं की, सौदा किया अपने सेव्य से। सेव्य जरूर वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो, पर आपने उस सेवा का मूल्य बहुत छोटा कर दिया। यदि आप निष्काम सेवा कर सकते हो तो यहां तक कि आपको भगवत प्राप्ति जैसा और पुनर्जन्म की विनाश जैसे परम पद की उपलब्धि हो सकती है निष्काम सेवा से। आपकी प्रसन्नता कैसे पाई जाए? राम जी कहते हैं, तुम पर अप्रसन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं महाराज। राम जी कहते हैं, तीर्थ जप तप और व्रत इन सब की अपेक्षा मैं आपको हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूं, अपने मुख से ये कह देना मेरी प्रसन्नता को प्राप्त करना। केवल इतना कह दोगे ना कि मैं आपको अपने हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूं, इतने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं। हनुमान जी की आंखें चौड़ी हो गई, बस इतने से? हाँ इतने से। हनुमान जी ने थोड़ी और चुटकी ली, बोले प्रभु अगर उस किसी के मुख में पान रखा हुआ और ये ना बोल सका तो? किसी के मुंह में पान रखा हुआ है, तांबुल रखा हुआ है और वो ये ना कह सके आपको कि मैं आपको हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूं, तो वो क्या करे? राम जी मुस्कुराए, बोले जो कह नहीं सकता वो हाथ जोड़ ले तो भी मैं उसका प्रणाम स्वीकार कर लेता हूं। हनुमान जी आगे बढ़े, बोले अगर हाथों में कुछ माल सामान लेके जा रहा हो और आपको प्रणाम ना कर सके तो आप प्रसन्न नहीं होंगे? हनुमान जी, राम जी बोले, सीता जी को देखा, बोले बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है हनुमान, मेरे से सहज में कैसे प्रसन्न हो सकता हूं? ये दुनिया को जानकारी देना चाहते क्योंकि हनुमान पर तो मैं प्रसन्न हूं ही, पर जन साधारण व्यक्ति परमात्मा की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये बुद्धि चातुर्य हनुमान के अलावा और किस में हो सकता है? पर तुम प्रश्न करने में थकोगे नहीं तो मैं भी उत्तर देने में नहीं थकूंगा, उत्तर दूंगा मैं, तो बताइए उत्तर क्या है आपका, उत्तर बताइए। राम जी ने कहा, जो मुझे माल सामान की वजह से हाथ नहीं जोड़ सकता वो मस्तक झुकाकर मुझे मेरा स्मरण करके यदि प्रणाम कर लेता है तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। हनुमान जी आगे बढ़े, प्रभु जरूरी तो नहीं है ना किसी का मस्तक फ्री हो, मतलब खाली हो। अगर किसी के मस्तक पर कोई सामान उठाया हुआ हो और बोझा लदा हुआ हो तो सिर कैसे झुकाएगा? राम जी फिर से मुस्काए, छोड़ेगा नहीं। हनुमान, अगर कोई मस्तक नहीं झुका सकता है तो पलकें तो झुका सकता है कि वो उस पे भी भार लगता है।
हाँ ये तो महाराज आपकी सही बात है प्रभु, पलकों पे तो कोई भार नहीं होता, पलके तो झुका सकता है। बोले बस मेरा चिंतन करके यदि कोई मुझे पलके पे झुका देगा ना, तब भी मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसका ऋण उतारने के लिए मैं इसका क्या करूँ। ये राम जी और हनुमान जी का संवाद हमें कितना निश्चिंत और निर्भीक कर देता है कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए या परमात्मा की इतनी भर सेवा जब हम करते हैं तो परमात्मा देने में न कभी कमी रखता न कभी कमी रख सकता है। इतने सहज में प्रसन्न होने वाले ठाकुर के स्थान पर लोग बड़े बड़े अधिकारियों की अफसरों की गुलामी क्यों करते हैं मुझे अब तक समझ नहीं आई। लोग क्यों संसार का आश्रय लेके मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लोग क्यों इतनी तपस्या करके भगवानों से वरदान प्राप्त करते, मेरे ठाकुर तो केवल पल के झुकाकर ही प्रसन्न हो जाते, वहां इतने तपस्या का प्रयोजन क्या है। लोग व्यर्थ ही अपने अहंकार को पोषित करके अपने आप को बर्बाद क्यों करते होंगे अंबिके, मुझे समझ नहीं आता। हनुमान जी और राम जी के संवाद से तो हमें केवल इतना पता लगता है कि आप मुख से अगर ना बोल सको तो आप हाथ जोड़ लो, वो भी आपकी परमात्मा के प्रति सेवा है। हाथ ना जोड़ सको तो मस्तक झुका लो, मस्तक नहीं झुका सकते तो पल के झुका लो, तभी भी आपका वंदन आपका परमात्मा स्वीकार कर लेता है और आपका ऋणी बन जाता है। भगवत भक्त थे एक, बहुत भगवत चिंतन में लीन रहते थे। एक देवदूत आए उनके पास, उस देवदूत के हाथ में दो सूचियां थी, लिस्ट थी। उस भक्त ने पूछा देवदूत से कि देवदूत जी आपके हाथों में दो दो सूचियां लेकर आ पाए हैं, क्या है इसमें। उसने कहा एक में लिस्ट है जो भगवान को प्रेम करते हैं, जो सर्वेश्वर परमात्मा से प्रेम करते हैं, ये उसकी सूची है। अच्छा इसमें मेरा नाम है, इसमें मेरा नाम है क्योंकि मैं परमात्मा को बहुत प्रेम करता हूँ। बोले हाँ इसमें आपका नाम पहले नंबर पर है। अरे बहुत अच्छा, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मेरे परमात्मा को प्रेम करने में मेरा नाम पहला है, मैं धन्य हो गया। पर ये दूसरी सूची किस बात की। देवदूत ने कहा दूसरी सूची है जिसको परमात्मा प्रेम करते हैं। पहली सूची थी परमात्मा को जो प्रेम करता है, जो सर्वेश्वर को प्रेम करता है, पहली सूची उसकी है। दूसरी सूची है सर्वेश्वर जिसको प्रेम करता है उसकी है। बोले उसमें मेरा नाम कौन से स्थान पर है। बोले उसमें तुम पहले नहीं हो। अरे मैं पहला नहीं, क्यों क्यों मैं पहला नहीं, मैं तो उसको बहुत प्रेम करता हूँ। बोले इसीलिए आप जिसको प्रेम करते हो उस लिस्ट में तो आपका नाम पहला है ना, पर परमात्मा जिसको प्रेम करते हैं उसमें आपका नाम दूसरा है। तो पहला किसका है, आपके पड़ोसी का, आपके पड़ोसी का नाम पहला है। बोले क्यों पड़ोसी का नाम। बोले क्योंकि वो भगवान को प्रेम नहीं करते पर भगवान के उस जन जन को भगवान समझकर प्रेम करते और उनकी सेवा करते, ये वो लिस्ट है जो भगवान के लोगों की सेवा करते, इसीलिए भगवान उनसे प्रेम करते, ये वो लिस्ट। मई परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, जो मुझे सूत्रों में, एक सूत्र जैसे मणि से मणि बांधी हुई एक सूत्र में पिरोई हुई है, ऐसे ही पूरा जगत मेरे से बंधा हुआ, मुझ सूत्र में पिरोया हुआ समझकर जो मुझ पर ब्रह्म की उपासना करता है, मैं उसका चिंतन करता हूँ और मैं उसके पीछे जाता हूँ, ये भक्त मुझे अति प्रिय है। धनंजय जो सेवा करते उनको मैं याद करता हूँ, मैं प्रेम करता हूं। तो पहली सूची है आप परमात्मा को प्रेम करते हो उसमें शायद आप पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर हो, पर यदि आप सेवा करते हो तो परमात्मा आपको याद करते हैं।
इसका मतलब ये है कि जप तप भजन और तीर्थ आदि साधनों की अपेक्षा सेवा करना अति उत्तम साधन माना जाता है। इसलिए एक सूत्र, अगर आपको सुखी रहना है, परमानंदित रहना है, तो एक सूत्र याद रखना चाहिए। जहां पर भी रहो सहयोगी बनो, उपयोगी बनो और उद्यमी बनकर रहो। जहां जाते हो किसी न किसी के काम लगो। चमड़ी को लोग प्यार नहीं करते, और अगर प्यार करते ना तो कुछ दिन करेंगे। अगर आप किसी के काम के नहीं हो तो आपकी चमड़ी कितनी ही गोरी हो, आप प्रेम के पात्र नहीं बन सकते। इसीलिए हेल्पफुल, यूजफुल और फ्रूटफुल, तीन सूत्र आपके जीवन में होना चाहिए। हेल्पफुल, यूजफुल और फ्रूटफुल। सहयोगी बनो, उपयोगी बनो और उद्योगी बनो। कुछ ना कुछ सेवा करो। आपके जीवन में सेवा परम आनंद को देने वाली सेवा साधन है, सेवा साधना है और सेवा सिद्धि है। सेवा निष्काम हो तो अहंकार का विनाश कर विनम्रता को धारण करती है। सेवा निष्काम हो तो निर्मल चित्त बनाती है। सेवा निष्काम हो तो आपके सेव्य परम आनंद की प्राप्ति कराती है। सेवा निष्काम हो तो पुनर्जन्म का नाश करती है। कितना सब कुछ प्राप्त होता है। तीन बातें, सेवा साधन है, सेवा साधना है और सेवा सिद्धि है। सेवा वशीकरण मंत्र है, सेवा आशीर्वाद का यंत्र है और सफलता का मंत्र है, सफलता का तंत्र है। वशीकरण मंत्र है, आशीर्वाद तंत्र है और सफलता का यंत्र है। जहां रहो हेल्पफुल, यूजफुल, फ्रूटफुल रहो, नहीं तो निकम्मे बन के पड़े रहोगे। निकम्मों की तो कीमत ही कितनी। जो निकम्मे होंगे वो तो फेंक दिए जाते हैं। जो काम के ही नहीं, काम के अगर निकम में नाखून हो उसको भी काट देते हो। जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनको भी तो काट देते हो, निकम में बाल को काट देते हो। तो जो भी व्यक्ति निकम्मा बना रहेगा वो किसी काम का नहीं। वो इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी संत के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा फेंक दिया जाता है। इसीलिए क्या बनोगे? सहयोगी, उपयोगी, उद्योगी बनो। हेल्पफुल, यूजफुल, फ्रूटफुल। जिसके भी जीवन में ये तीन मंत्र हैं, वो व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी दशा में रहे, लोगों का प्रिय बनता है और उसे वशीकरण सहज आता है, आशीर्वाद सहज प्राप्त होता है और सफलता सहज मिलती है। किसको मिलती है? हेल्पफुल को, यूजफुल को, फ्रूटफुल, सहयोगी को, उपयोगी को, उद्यमी को। नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो ना। नारायण हरि, नारायण हरि, कृष्ण हरि, कृष्ण हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, हे हरि, हे हरि, उद्यमी हरि, उद्यमी हरि, साहसी हरि, साहसी हरि, हे नाथ हरि, मेरे हृदय में निवास करो हरि, मेरे हृदय में निवास करो हरि। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरो चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश, सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरूं क्या ना, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ, कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, संत समागम हरि कथा, मो घर निश दिन हो, साहेब मेरा बानिया, सहज करे व्यापार, बिन दंडी ही बिन पालड़े, तोले सब संसार। हे भगवान,
धर्म में मति हो, धर्म में मति हो, परोपकार में रति हो, परोपकार में रति हो, सेवा में रुचि हो, सेवा में रुचि हो, भगवान में प्रीति हो, भगवान में प्रीति हो, आत्मा में स्थिति हो, आत्मा में स्थिति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो, हे भगवान, हे भगवान, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, शक्ति दो, निरोगता दो, निरोगता दो, प्रसन्नता दो, प्रसन्नता दो, संयम दो, संयम दो, भाव दो, भाव दो, सेवा दो, सेवा दो, अपना अपना कर्तव्य पाले, अपना अपना कर्तव्य पाले, सुखी रहे, सुखी रहे। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। Thank you.
जान।